I'm proud of you. I am so proud of you. तू आगे आगे रहा कर पहले। कच्चे के पराठे नहीं है वो, लच्छे के पराठे हैं। और जब भाई जब देखा एकदम से मैं शॉक्ड हुआ, मतलब इससे बड़ी खुशी नहीं होती। 8th April 2024. Hello guys, good morning. Welcome back to my new vlog. कैसे हैं आप सब लोग? और मेरे आज सुबह उठते ही सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं रात को लेट सोया था, 3 बजे सोया था और सुबह 9:30 बजे उठा, पर जब उठा ना सर में दर्द हो रहा था बहुत तेज, अभी भी हो रहा है पर पता नहीं क्यों। चलो देखते हैं, नहाने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके शायद ठीक हो जाए। और ये इधर बैठी हुई है मेरे सामने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा काम खत्म हो चुका है, बस नहाने का वेट कर रही हूँ। नहाने का? मेरे आपका? हाँ, आप नहाओगे फिर मैं नहाऊंगी, फिर ब्रेकफास्ट बनाना है, खाना है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जिंदगी यही हो गई। ऐसे क्यों कहते हो? खाना है, सोना है, कुछ कभी मतलब कभी लोग कुछ इस जिंदगी के लिए भी तरसते हैं। जब हम जिस मेरा से... कहने का मतलब वो नहीं है, कहने का मतलब है कि जो ये मौसम चेंज हो रहा है ना, इसमें थोड़ा आलस आलस सा ऐसा ही रहता है बस। अच्छा फिर ठीक है, तो चलो गाइस लगते हैं अपने काम पे। तो गाइस सिस्टी ने पूरी हनुमान चालीसा पढ़ के आई है, अभी पूजा करके आई है, अब करेगी सिस्टी ब्रेकफास्ट। गुड गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सेम टू यू। हे गाइस, मैंने नाश्ता कर लिया है, अब हमारा टाइम है लंच करने का। ये रहा हमारा लंच, कड़ी चावल सैलेड। सो गाइस, हमारा लंच हो चुका है और टाइम हो गया है मेरे पति के जाने का, और यहाँ पे ये रेडी हो गए हैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के। बोरिया बिस्तर नहीं, अपना लैपटॉप और पानी बांध। हाँ वही होता है ना, उसी में जाता है तो मैं जरूर लेके जाता हूँ। ये अपनी टंकी साथ रखते हैं, ब्लैक वाली। ब्लैक मेरा फेवरेट वन में से भी है गाइस, अफसोस मैं ब्लैक नहीं हूँ। मेरा फेवरेट कलर गाइस पिंक, पर्पल, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, सारे ही हो गए। फेवरेट को ये एक होता है कलर। बाय। Few hours later. So hey guys, good evening. शाम हो चुकी है और आज के जाने के बाद मैं सो गई थी, अब उठी हूँ, मतलब उठे हुए मेरे टाइम हो गया। यहाँ से मैंने सारी साफ सफाई मैंने कर दी है, झाड़ू शाम को झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है। और बाहर आए हैं माली भैया घास काटने के लिए, और बहुत सारे बंदर भी आए हुए हैं। बंदर चले गए? वो बैठा, ये रहा, ये उतरा और ये गया। बहुत सारे उधर बैठे गाइस, देखो पूरी फैमिली कहाँ बैठी है। आंटी की छत पे, ये देखो पूरी फैमिली उधर ही बैठी है। भैया ये झाड़ी है लटकी गिरी पड़ी, इसको भी ठीक कर देना। ये रहे, तू आगे आगे रहा कर पहले। झाक रहा था मुझे यार, वो जा तू, बैग जल्दी बंद भी करूंगी ना, हो भी नहीं पाएगा। यहाँ पे मेरे यहाँ पे आके बैठते हैं वो खाने के लिए, खाना मिल जाता है ना तो चले जाते हैं, नहीं मिलता है थोड़ी देर बैठ के चले जाते हैं। After 2 hours, क्या तोड़ रहे थे? प्लांट नहीं तोड़ रहे थे, यहाँ पर बैठे हुए थे सारे। माली ने मेरे को फोन किया कि बंदर सारे वो तोड़ रहे हैं, प्लांट तोड़ रहे हैं। तो गाइस घर पहुंचने के बाद बीवी के हाथ की चाय पी, मस्त सर दर्द ठीक हो गया। हालांकि आज मेरे सुबह से पूरा दिन सर में दर्द बना रहा, पता नहीं क्यों। आज मेरे सर में मतलब सेंटर में यहाँ दर्द और आईज के यहाँ पे ऊपर, शायद लैपटॉप ज्यादा देखने की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि मैंने रात को भी मैं लेट तक काम किया था, सुबह भी उठ के एडिटिंग कर रहा था। मोस्टली ज्यादातर लैपटॉप पे काम हो रहा है ना, क्योंकि थंबनेल्स वगैरह ओवरऑल सारी चीजें लैपटॉप पे बहुत ज्यादा मेरा टाइम स्पेंड हो रहा है, मुझे स्पेक्स लगाना पड़ेगा। और आज क्या बन रहा है? आज बन रहे हैं लच्छा पराठा। लच्छा पराठा, क्योंकि मैं बता दूं आज है कद्दू की सब्जी, कद्दू की सब्जी के साथ तो लच्छा पराठा ही अच्छा लगेगा। और गाइस कल से है नवरात्र शुरू। कच्चे के पराठे नहीं है वो, लच्छे के पराठे हैं। कच्चे के पराठे, हाँ कच्चे के पराठे ही कही हो तो। और गाइज ये कुत्ता ना बहुत देर से भौंक रहा है, बहुत देर से। क्या हुआ? ओ वो, क्या हुआ? क्या हाँ काट मत लियो भाई तू। सिस्टी काट सकता है वो। ओ, ओ, बंद कर रहे हैं।
बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, शायद बांध रखा है इसको। ये बांध नहीं रखा, देखो खुला है। अरे स्कूल में तो अंदर बंद है वो। नहीं सिस्टी नहीं, लोगों को भी जरूरत होती है, इनको कोई दोस्त चाहिए, इनको बात करने वाला चाहिए। स्कूल बंद होता है ना शाम को, ये तो गार्ड वार्ड शायद यहाँ पे नहीं है। गाइस देखो कितना अलर्ट हो गया, सिस्टी पानी लेके आ रही है। पहले पानी पिलाते हैं फिर खाना खिलाएंगे। नीचे से देते, नीचे से यहाँ से बेटा, यहाँ से। यार सच में इसको प्यास लग रही थी, पानी पी रही है ना, प्यासा था ये जब भी भूख रहा था। हाँ अब खाना खिलाएंगे तो अपने आराम से जाकर बोरी बिस्तर में सो जाएगा। लोग पाल तो लेते हैं लेकिन इनकी केयर नहीं करते, इनको भी तो भूख लगती है ना, इनको भी तो प्यास लगती है ना। पाला है पता नहीं किसने पाल रखा है। देखो स्कूल में, देखो सारा पानी पी लिया बेटा। ये उठा के नहीं लेके जाना, तू दूंगा कैसे इसमें खाना, उठा के नहीं लेके जाना। अब नहीं ले भाई, उठा के नहीं लेके जाना, पानी पीना है। खाना कैसे दूंगा तुझे भाई। ये तो उठा के ही भाग रहा है जैसे इसको दोबारा मिलेगा नहीं। प्लास्टिक का टिफिन ही उठा के भाग रहा है। ये तो प्यासा था, पूरा पानी पी लिया इसने। भाई जी ले गया भाई, हाथ से छुड़ा के भाग गया ये। ले 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 हाँ, फिर का रख दिया। देखो गाइस यहाँ से पूरे निकलने की प्लानिंग में, ये पूरे निकलने की प्लानिंग में सुबह स्कूल वालों से बात करनी पड़ेगी। निकालेंगे अभी, पहले तेरे को खाना तो दे दें। देखो देखना, ठंडा करके खिलाना। लालू है तो। हाँ लालू है, काटेगा तो नहीं, मैंने करके देख लिया। देखो निकलने की पूरी उसमें है ये, भूखा भी है ये, रखा है तो ये कुछ वही, देते नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, सुबह बात करनी पड़ेगी स्कूल वालों से। देखना बेचारा गरम है, गरम। रुक जा बेटा। दांत भी छोटे छोटे हैं। हाँ दांत भी ज्यादा बड़ा नहीं है, ये भूरू जैसे ही है हमारे लिए। अब तो भूरू ये बाहर निकलने के लिए परेशान हो रहा है। या तो ये वाला गेट खोल के इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। अरे यहीं पे है ये, उसको कौन पकड़ के लाएगा, अपना शरीर फरवाएगा क्या कोई? यहाँ पे लक्ष्य कहाँ है? अरे भैया उसको वो मारो मत, इस वाले गेट से निकाल दो। ये पहले कल परसों भी देखा था मैंने। हाँ मैंने भी देखा था, पर कुत्ते की आवाज़ सुनी थी मैंने भी। स्कूल वालों ने रखा था, मैंने भी यही सोचा। तो गाइस ये गार्ड भैया आ गए थे, तो ये कोई बाहर से स्कूल में घुस गया था ये कुत्ता। और हालांकि इसको रास्ता नहीं मिल रहा वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो गार्ड भैया आ गए थे, मैंने बात कर ली। हालांकि तो वो निकाल रहे हैं, हालांकि खाना वाना तो हमने खिला दिया था। होप सो इसको अपनी राह मिल जाए अपने बाहर निकलने के लिए। आफ्टर डिनर, तो गाइस रात के 11:30 बज गए हैं। आज पता है मैं जब मुझे हेडेक हो रहा था ना बहुत तेज, और कई बार होता है कि आपका मूड ठीक नहीं होता, लेकिन आज पता नहीं अचानक से मेरे को एक बात याद आई एक लता की, जो कि ऑटोमेटिकली मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। और वो बात पता है क्या थी? वो बात ये थी कि एक मतलब कि ये जैसा मैंने चाहा था वैसा ये भी उन चीजों की तरफ है, जैसे कि सरप्राइजेस देना, मतलब जिससे हम प्यार करते हैं उसको सरप्राइजेस देना कितना अच्छा लगता है। जैसे कि मैं सेम चीज में सोचता हूँ, जब मेरे मतलब राजवीर व्लॉग्स पे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे ना, तो मैं उस टाइम यूरो इंटरनेशनल स्कूल में काम कर रहा था। सिस्टी मेरे साथ ही जाती थी क्योंकि मेरे साथ यहीं पर ही रहती थी, और इसको पता होता था कि चाबी कहाँ पर रखी होती है। तो ये आके और अंदर छुप गई और दूसरे गेट से लॉक लगा के और अंदर आ गई है ना, और उसके बाद ना केक लेके आई थी। इसको पता था 1000 सब्सक्राइबर हो गए, हम सेलिब्रेट करेंगे, और ये केक यहाँ अंदर लाके और इस कमरे में छुप गई। और जब भाई जब देखा एकदम से मैं शॉक्ड हुआ, मतलब मैं गेस भी नहीं कर सकता था कि ये यहाँ पर होगी। तो वही चीज मुझे ऑटोमेटिकली मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई कि जिन चीजों के लिए हम तरसते थे कि एक दूसरे के साथ कभी हम साथ में रहें, और आज वो मेरे साथ है, तो इससे बड़ा सुकून क्या है मेरे लिए जिंदगी में, है ना। और सारी टेंशन एक साइड में, जब ये सुकून हमारे साथ है, जब हम जिन चीजों के लिए तरसते हैं, हम विश करते हैं कि हम उस इंसान के साथ में रहें, टाइम स्पेंड करें, और जब वो हमारे साथ होता है, तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती। सच में खुशी, इससे बड़ी खुशी नहीं होती। बस पगले रुलाएगा क्या।
नहीं, रुलाने वाली बात नहीं है, ये ट्रू है, ये बिल्कुल सच है। हम जब हम उस चीज को हासिल कर लेते हैं ना, तो हम और चीजों में बिजी हो जाते हैं, तो वो उस चीज की या उस इंसान की वैल्यू थोड़ी डाउन हो जाती है कि चलो अब इसको हासिल कर लिए, अब नेक्स्ट चीजों पे टारगेट करें, ये करें। लेकिन एक्चुअल में हम जिंदगी में भागते रहते हैं, हमें ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, जिन चीजों जिनके बिना हम रह नहीं सकते ना, जिनका ऑरा हमें पसंद है, तो बस वही है कि एक्चुअल लाइफ फैमिली के साथ ही, एक्चुअल लाइफ क्योंकि सुकून यही है, इनके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी माँ है, उनके बिना ऐसा लगता है जिंदगी अधूरी सी है, फैमिली के बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। तो बस कल से नवरात्रे शुरू हैं, तो सुबह कोशिश यही है कि जल्दी उठ के अपना काम खत्म करें। कल से नवरात्रे शुरू हैं, तो शुभ नवरात्रि गाइज आप लोगों को, मेरे फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। सबकी इच्छाएं पूरी करें। और टास्क मेरा फिर से स्टार्ट हो गया है नवरात्रों में साड़ी पहनने का। हाँ, और ये कह रही है कि मैं दिन पूरे 9 रखूंगी, ये तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, ना इंसाफी हो जाएगी, नवरात्रों में साड़ी पहनेगी। नहीं, के बाद भी पहन लूंगी एक दो दिन एक्स्ट्रा। सच्ची। तो चलो गाइस, फिलहाल अभी इस व्लॉग का एंड करते हैं। होप आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज थोड़ा ऐसे ही था क्योंकि मेरे हेडेक हो रहा था, तो मैंने कम ही व्लॉग किया, तो आज मैं इसी को फोन देके चला गया था, मैंने कहा व्लॉग आप करो, मेरे को मुझे सिर्फ एडिटिंग का काम दे दो, मेरे को स्कूल में भी जाके काम करना है क्योंकि वहां पे भी मेरी रेल ही बनी होती है एक तरह से। तो चलो बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।